परम अवतार श्री कृष्ण। ये क्या है बाबा? ये तो विषैले बेर हैं। काका, आपकी पोटली में क्या है? गोकुल वासियों को निरुत्साहित करने तथा गौवंश को पीड़ित करने के लिए कान्हा सभी ग्वाल बालों संग कंस के भेजे षड्यंत्रकारियों को करते हैं दंडित। कैसे करेगा कंस कालिया को गोकुल का विनाश करने के लिए विवश? कालिया, भगवान कंस की उपेक्षा करने का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। ये कोई चट्टान नहीं अपितु धरती के भीतर कोई विशाल शिला है। मार्ग में आई बाधा से छा जाती है गोकुल वासियों में निराशा। अब कैसे करेंगे कान्हा ग्वालों को कृषि कर्म के लिए प्रोत्साहित? गोकुल वासियों के कृषि अभियान को भंग करने भूमि के भीतर से आता है एक विचित्र संकट। ओ चक्रधारी, देख रहा है इनका हश्र, क्या स्थिति कर दी है मैंने इनकी, इनके रोम रोम में भगवान कंस का भय है। कैसे बचाएंगे कान्हा गोकुल वासियों के षड्यंत्र रच कंस करता है कालिया को गोकुल के विनाश के लिए वचनबद्ध। कैसा वचन? कि तुम समस्त गोकुल वासियों का अपने विष से विनाश करोगे। ये मेरा सौभाग्य होगा। गोकुल वासियों की रक्षा हेतु कान्हा तथा बलराम करते हैं कंस के असुरों का सामना। कान्हा के गोकुल नहीं जा सकोगे असुर, किसी भी परिस्थिति में तुम वहां नहीं जा पाओगे। मेरे मार्ग में अवरोध। युद्ध की चुनौती नहीं दे रहा, अपितु अपने काल को निमंत्रण दे रहा है। इसका निर्णय समय करेगा असुर। गोकुल वासियों, मैं आप सबकी पीड़ा को अनुभव कर सकता हूँ और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ एक भी गोकुल वासी भूखा नहीं सोएगा। जिसे जितना अनाज चाहिए मेरे यहाँ से आकर ले जाए, मेरा द्वार आप सबके लिए खुला है। आपका बहुत बहुत उपकार है नंद बाबा, आप हमारी इस दुख घड़ी में हमारे साथ हैं। मित्र, तुम्हारी ये उदारता, ये सहानुभूति अवश्य एक ऊर्जा बनकर इनमें नया प्राण फूकेगी, किंतु ये समाधान अस्थाई है और गोकुल को स्थाई समाधान चाहिए। इस प्रकार यदि वर्षा ना हो, हिमालय से निरंतर गंगा नहीं बहेगी और संपूर्ण संसार सागर से लोटा लोटा पानी लेता रहे, तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब सागर में पानी समाप्त हो जाएगा। वृष भानुजी सत्य कह रहे हैं नंद बाबा, भंडार में अनाज का आना अनिवार्य है। और तुम्हारे भंडार में कुछ दिनों का अन्न शेष है नंद, गोकुलवासी तो क्या, कुछ दिनों के पश्चात अपने परिवार का भरण पोषण भी कठिन हो जाएगा, तब क्या करोगे? मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा वृष भानु, मैं केवल इतना जानता हूँ कि उस अहंकारी कंस के आगे नहीं झुकूंगा। सदा यही असुर हमारी धरती हमारी फसल क्षति पहुंचाते रहते हैं। देखो ना, उस घटना के बाद से दाऊ कितने शांत हो गए हैं। किसी से कुछ कह भी नहीं रहे, लगता है मेरा आघात लगा है दाऊ को इस घटना से। आघात लगना स्वाभाविक है फुलवारी, क्योंकि दाऊ को अपनी धरती से बहुत लगाव है।
के लिए बहुत आदर है। माँ समान है धरती उनके लिए। ऐसे कब तक भूखे प्यासे रहेंगे राधा? ऐसे में तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। यही तो चिंता का विषय है ललिता। नहीं खाने के कारण दाऊद दुर्बल हो गए हैं। चलो ना, चलकर समझाते हैं। थक गई समझाकर, कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है दाऊ। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने उन्हें बड़ी बात ही नहीं समझाया। मैंने तो समझा लिया, तुम जाकर समझाओ ना, कहीं तुमसे समझ जाए और भोजन करने के लिए मान जाए। तू सच कहती हो, तुम्हारा हम सब पर बहुत बड़ा उपकार होगा। ठीक है, प्रयास कर लेता हूँ, किंतु उपकार मानने से कुछ नहीं होगा। तो यदि मैंने दाऊ को खाने के लिए मना लिया तो तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। क्या? वो बाद में बताऊंगा, पहले बोलो करोगी? ठीक है, करूंगी, किंतु जाकर पहले खिलाओ दाऊ को। ठीक है, जाता हूँ। क्या देख रहे हैं महाराज? देख नहीं रहा हूँ कृष्णी, तुम्हारे साथ की शक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। नारी के साथ से शक्ति फूटी भगवान कंस के मुख से? ये सत्य है, जब से तुम आई हो तब से सुखद सकारात्मक शक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सकारात्मक परिवर्तन के योग्य सिद्ध हुई। बात बहुत पुरानी नहीं कृष्णी, कुछ समय पहले की है। विष्णु के छल से मैं भयभीत रहा करता था, और जब से तुम आई हो अनुभव कर रहा हूँ जैसे मेरे अंदर से भय भाग गया है। मेरे मन के भीतर एक नए विश्वास, एक नई ऊर्जा ने जन्म लिया है। अब मैं किसी को भी परास्त कर सकता हूँ, कोई मेरे समक्ष टिक नहीं सकता, फिर वो चाहे मायावी छलिया विष्णु हो या विष्णु का वो वाहन करुण। मुझे ये मान देने के लिए धन्यवाद महाराज। तुम उस योग्य हो केशनी, अब मेरी हर योजना में तुम्हारी एक महत्वपूर्ण कड़ी रहेगी, और तुम्हारे साथ साथ इस कालियानाग के भी। कंस की सहायता से गोकुल की पावन धरती पर पहुंचता है कालियानाग। इस शीतल निर्मल जल को इतना विषाक्त कर दो कि गोकुल की जीवन धारा कहलाने वाली ये यमुना मृत्यु सागर में परिवर्तित हो जाए, कोई जीव जीवित ना बचे। यमुना में कालिया के प्रवेश करते ही बाल रूप में भगवान का सानिध्य पाने आई यमुना पर होता है विष का दुष्प्रभाव। तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया माँ? आपने ऐसी हरकत करके माँ शब्द का अपमान किया है माँ। अब धोखे से ही सही, पर शादी तो हो गई ना, अब तुम दोनों चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना ये जो वीडियो है ना, ये सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा। हाँ मम्मी। पंडित जी, जैसा ही सामग्री आ जाएगा तो आपको बुलवा लेंगे। पंडित जी को काहे भेज रही हो, पूजा तो आज ही करवाओगी ना? अम्मा जी, अमंगल का ना निवारण आज ही होगा, तो उसका तरीका जो है वो दूसरा है। सिस जी को फोन करके बता देते हैं कि हम बाहर आए हैं, उसको शायद पता भी नहीं होगा। हेलो सृष्टि, कौन है आप लोग? ये मशीन वायर, ये सब क्या है? वायर मशीन? देखिए, अगर आप हार मान लोगे ना तो मन्ने ईरा जी को आपकी अम्मा के पास ले जाना पड़ेगा, ये वो फैसला आपके हाथों में है। क्योंकि किसी ने अम्मा या किसी और को ईरा जी के बारे में कछु बताने की कोशिश की ना, तो बजरंग बली की सौगंध हमसे बुरा कोई नहीं होगा।